हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में बेसिकली मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और क्वेश्चन पेपर एनालिसिस ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो इंटरनेशनल मार्केटिंग EYBMS M6 का पेपर है, और ये जो पेपर्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं ये मई मंथ का है, मई 2019 का। 75 मार्क्स का आपका पेपर है। ठीक है, इसके अंदर आप देख सकते हो कि जो क्वेश्चन गिवेन है, यानी कि पेपर पैटर्न पहले देख लेते हैं, इसके बाद डिस्कस करते हैं। जो आपका पेपर पैटर्न गिवन है, क्वेश्चन नंबर वन आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, जो कि इन्हीं एट करना है। टोटल आपके 10 क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे। ठीक है, देख सकते हो टोटल 10 क्वेश्चन गिवन है। फिर क्वेश्चन नंबर वन के अंदर बी पार्ट गिवन है 7 मार्क्स के लिए, यानी कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा 15 मार्क्स के लिए, और इसके अंदर गिवन है आपको ट्रू एंड फॉल्स गिवन है। ठीक है, ये हो गया 15 मार्क्स। इसमें भी क्या करना है, ट्रू एंड फॉल्स में 7 क्वेश्चन करने हैं आपको, टोटल 10 क्वेश्चन गिवन है। देन इसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर टू पे। क्वेश्चन नंबर टू में आप जितने भी देखोगे, इसके बाद के जितने भी क्वेश्चन है वो 7-8 7-8 करके आपको गिवन है। ठीक है, तो आपको 15 मार्क्स का क्वेश्चन गिवन है, तो कोई एक ही अटेम्प्ट करना है 15 मार्क्स में, और गिवन है यहाँ पे टोटल, यहाँ पे 4 क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन नंबर टू से लेकर क्वेश्चन नंबर फाइव ऐसा काउंट करोगे टोटल 4 ही होगा। क्वेश्चन नंबर फाइव में आपको राइट इन द शॉर्ट नोट गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, इसको पेपर थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, राइट, ताकि हमें समझ में आए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। तो इसमें आप देख सकते हो, फर्स्ट जो गिवन है वो है कस्टम रेगुलेशंस आर बैरियर्स ट्रेड। ठीक है, तो अब इसके अंदर जो आंसर बनेगा वो आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि ऐसा है ना कि अगर आपने ऑब्जेक्टिव में 8 मार्क्स निकाल लिया, ठीक है, यहाँ पे मतलब फिल इन द ब्लैंक्स में, और ट्रू फॉल्स में 7 मार्क्स, मतलब टोटल ये कितने मार्क्स का था, 8 मार्क्स का और ये 7 मार्क्स का। ठीक है, तो 15 मार्क्स आपके यहीं पे फिक्स हो जाते हैं। अगर आपने 15 मार्क्स निकाल लिया और आगे के जितने भी क्वेश्चन है उसमें आपने 15 मार्क्स निकाल लिए, तो दैट इज मीन्स आपको पासिंग मार्क्स मिल जाएगा, यानी कि आप पास भी हो गए, सीधी सीधी बात। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली क्वेश्चन पेपर है, इस टाइप के ऐसे ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो यहाँ यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है ना, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि इसके आंसर क्या क्या होंगे। ठीक है, और जो बड़े आंसर्स है उसके आंसर कैसे लिखने हैं आपको, ईच एंड एवरी टॉपिक पे यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। याद है कि ये जो मैं बता रहा हूँ, ये 3 पेपर्स बता रहा हूँ यहाँ पे, मतलब 2019 अप्रैल मंथ का, 2019 नवंबर मंथ का, और 2023 अप्रैल मंथ का। देखिए इसमें देखो क्वेश्चन क्या बने, डिफाइन इंटरनेशनल मार्केटिंग और उसके डिफरेंट ओरिएंटेशंस ऑफ द इंटरनेशनल मार्केटिंग, ये पूछा गया है 8 मार्क्स के लिए। और नेक्स्ट थिंग यहाँ पे बी पार्ट में क्या है, इसमें व्हाट इज द ट्रेडिंग ब्लॉक एंड एक्सप्लेन द टू ट्रेडिंग ब्लॉक्स ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड, राइट। नेक्स्ट थिंग यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर टू के सी में, व्हाट आर द नीड फॉर द कंडक्टिंग इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च। ठीक है, मैंने देखा हुआ पेपर, मैंने एनालिसिस किया है इससे पहले, वीडियो बनाने से पहले, तो ये जो रिसर्च वाला पार्ट है ना, इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च, ये बहुत पूछा गया है। ठीक है, और नेक्स्ट थिंग प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ये भी पूछा गया है इंटरनेशनल प्रोडक्ट साइकिल। तो ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगते हैं, क्योंकि मैंने पेपर रिसर्च किया तो उस पर पता चला मुझे। एंड नेक्स्ट थिंग एक्सप्लेन द स्टेप्स फॉर प्लानिंग इंटरनेशनल प्रमोशनल कॉम्पेन। ठीक है, तो ये यहाँ पे पूछा गया है। फिर क्वेश्चन नंबर थ्री में देख सकते हो, व्हाट इज द नीड फॉर द डेवलपिंग इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी और इंटरनेशनल, यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द इंटरनेशनल सर्विस मार्केटिंग। एंड नेक्स्ट थिंग यहाँ पे देख सकते हो कि एक्सप्लेन द इकोनॉमिक एनवायरमेंट ऑफ इंटरनेशनल मार्केट। एंड क्वेश्चन नंबर फोर्थ बी में, हाउ टू कंट्रोल इंटरनेशनल मार्केटिंग ऑपरेशंस बाय द यूजिंग द मॉडर्न टेक्निक्स। एंड नेक्स्ट थिंग एक्सप्लेन एनी 4 टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल मार्केट इन दिस मेथड। एंड इसमें फोर्थ का डी गिवन है, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग। ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर फाइव में यहाँ पे पूछा है, रोल ऑफ द पैकेजिंग एंड लेबलिंग इन द इंटरनेशनल मार्केट। एंड क्वेश्चन नंबर फाइव के बी में पूछा गया, व्हाट आर द फैक्टर्स, एक्सप्लेन द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सिलेक्शन ऑफ इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ना, ये भी मैंने देखा कि बहुत बार पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है इंपॉर्टेंट। मतलब मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर तो बता ही रहा हूँ, साथ ही साथ मैं आपको इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या बार बार पूछे जाते हैं, तो ये सब आपके लिए कैसा यूजफुल होगा, राइट। तो आप इसको देखिए और इसको याद करके जाइए। नेक्स्ट थिंग राइट ना, शॉर्ट नोट में आपको कि मैंने MIF यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें टैरिफ बैरियर, ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, फिर ग्रे मार्केट या तो सर्विस कल्चर। ठीक है, ये जो शॉर्ट नोट है ना, ये जितने भी क्वेश्चन है ये सबको याद कर लीजिए,
क्योंकि ये पांचों क्वेश्चन तो आएंगे, मतलब कि अगर आपने याद किया होगा कहीं ना कहीं आएंगे तो आप डेफिनेटली लिख सकते हो, क्योंकि इसमें से टैरिवरी एक इम्पोर्टेंट है, सर्विस कल्चर इम्पोर्टेंट है, देखिए IMF इम्पोर्टेंट है, और वैसे देखा जाए तो मुझे पांचों क्वेश्चन इम्पोर्टेंट लगते हैं जो कि आपके पेपर्स पूछ सकते हैं इस बार 2024 के अप्रैल मंथ में। ठीक है, तो ये हो गया आपका अप्रैल मंथ का। अब आते हैं नवंबर मंथ में, यहाँ पे देख सकते हो ये नवंबर मंथ है, तो इसमें आपको सेम उसी पेपर पैटर्न में दिया गया है, 8 मार्क्स का आपको दिया गया है MCQ, और यहाँ पे ट्रू ना ट्रू फॉल्स ना देते हुए आपको 7 मार्क्स का दे दिया गया है मैच द पेयर या मैच द फॉलोइंग। ठीक है, इसके आंसर हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, अभी पहले हम क्वेश्चन आंसर ही देख लेते हैं। देखो यहाँ पे गिवन है डिफरेंशिएट बिटवीन द डोमेस्टिक मार्केट एंड इंटरनेशनल मार्केट, ये एक दिया गया है, यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है आपको। ठीक है, फिर दूसरा दिया हुआ है एनुमरेट ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैरिफ बैरियर्स, तो जो भी टैरिफ बैरियर्स है वो याद कर लीजिए। देखो अभी हमने पिछले क्वेश्चन पेपर्स में हमने डिस्कस किया था टैरिफ बैरियर्स के बारे में, तो उसमें 5 लिखा था, इसमें लिखा हुआ है कि आपको 7 मार्क्स के लिए दिया हुआ है, तो कितने पॉइंट लिखने चाहिए। देखिए आप जितना लिख सकते हो उतना बेनिफिट है, 7 मार्क्स के लिए है तो कम से कम आपको 9 से लेके मतलब 8 से लेके 9 पॉइंट तक लिखना चाहिए एटलीस्ट, कितना 8 से लेके 9 पॉइंट, प्लस आपका मीनिंग एंड डेफिनेशन भी आएगा। और फिर क्वेश्चन नंबर 2 के C में गिवन है साग, गिवन है यहाँ पे साग एंड देयर ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, इसको भी याद कर लीजिए। नेक्स्ट थिंग, एज एन इंटरनेशनल मार्केटिंग स्टूडेंट सजेस्ट एनी 3 इंटरनेशनल मार्केट एंट्री मेथड, ठीक है ये आपको सजेस्ट करना है, इसमें आपका सेल्फ ओपिनियन लगेगा क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है। तो देखिए अभी आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप ऊपर में AB कर लीजिए या तो CD कर लीजिए, मोस्ट ऑफ द बच्चे यही करते हैं क्योंकि खुद का ओपिनियन देना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, राइट ना, क्योंकि हम कॉलेज में कितना सीखते हैं और कॉलेज में कितना सिखाया जाता है ये सबको मालूम है, तो इसीलिए मेरे ख्याल से आपको ये इजी गिरेगा क्वेश्चन नंबर 2 का A एंड B, इसका जो आंसर है ना ये मैं आपको बताऊंगा अभी। नेक्स्ट थिंग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के A एंड B पार्ट पे, इसमें देख सकते हो कि आपको स्टेप्स इन द इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च, जैसा अभी मैं आपको बता रहा था कि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। देखिए तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ दिया गया है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको जो इसके स्टेप्स है इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च के, इसको बाहर कीजिए। एंड नेक्स्ट थिंग यहाँ पे बी पार्ट देख सकते हो, लिखा है डिस्कस, ठीक है, हॉप्स हॉप्स 3D 6 डायमेंशनल ऑफ कल्चर्स, तो मेरे ख्याल से ये जो यहाँ पे मार्केटिंग रिसर्चर या ऑथर या मतलब जो ये गिवन है, ठीक है, इन पर्सन का नाम, तो इनको भी याद कर लीजिए क्योंकि ये आपके शॉर्ट नोट में भी आ सकता है या तो बड़े आंसर में भी आ सकता है। ठीक है, तो कैसे भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है इसका, क्योंकि 6 मार्क्स के लिए तो आपको 5 मार्क्स राइटर ना शॉर्ट नोट में पूछ ही सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वन, यहाँ पे आते हैं अभी क्वेश्चन नंबर थ्री का CD, इसमें लिखा हुआ है इंटरनेशनल मार्केटिंग इन्वायरमेंट, ठीक है, और एक्सप्लेन करना है आपको इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। देखो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट पहले भी आया है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट हो गया या लीगल इन्वायरमेंट हो गया, ठीक है, तो ये सब आप याद करके रखिए, ये बड़े क्वेश्चन में भी आ सकता है या तो राइटर एंड शॉर्ट नोट में भी आ सकता है। एंड एक्सप्लेन द इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड इट्स अ टाइप, ये यहाँ पे एक नया क्वेश्चन दिखाई दिया प्रीवियस ईयर के पेपर्स को कंपेयर करने के बाद। एंड नेक्स्ट थिंग यहाँ पे लिखा है डिस्कस, क्वेश्चन नंबर 4 का A B पार्ट, डिस्कस बेस्ड ऑन द मार्केट सेगमेंटेशन इन द इंटरनेशनल मार्केट, यस, तो ये जो क्वेश्चन है ना मार्केट सेगमेंटेशन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केटिंग मार्केटिंग के बारे में बात कर रहे हैं और मार्केट सेगमेंटेशन ना आए तो फिर मतलब ही नहीं, क्योंकि सेगमेंटेशन क्या कहता है आपके डिफरेंट पार्ट को बताता है, एक्सप्लेन करता है, राइट, जिसमें आपके सेक्शन है मतलब कि आपका सेक्स आता है, फिर लाइक डिसलाइक आता है, देखिए डेमोग्राफी आता है, ये सब चीज़ें, प्रेफरेंस हो गया, चॉइस हो गया, तो ये सब के बारे में आता है। तो देखिए क्योंकि मार्केटिंग हम इसके बेस पे करते हैं, क्योंकि मेल फीमेल चाइल्ड, देखिए ओल्ड एज पर्सन, तो ये सब चीज़ें इसके अंदर आता है, जिसमें ज्योग्राफी भी आपको कंसिडर किया जाता है, ज्योग्राफिकल सेगमेंटेशन होता है, डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन होता है, तो ये सब चीज़ें क्या करती है ना इम्पैक्ट करती है आपके मार्केटिंग पे, तो आप जब इंटरनेशनल मार्केट से ला रहे तो वहाँ का कंडीशन क्या है, वहाँ का ज्योग्राफिकल एरियाज क्या है, ठीक है, तो उसके बारे में भी आपको रिसर्च करना पड़ता है, तो ये मार्केट सेगमेंटेशन के ऊपर है। नेक्स्ट थिंग इसका बी पार्ट देखो, मेंशन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, देखो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पहले भी आया हुआ है और अभी भी पूछा जा रहा है ये, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। एंड नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 4 का C देखो, हाईलाइट वेरियस इंटरनेशनल प्राइजिंग मेथड, ठीक है, और नेक्स्ट वन दिया हुआ है यहाँ पे वेरियस टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल प्रमोशनल टूल, प्रमोशनल टूल देखो ऊपर भी अभी आया था जो अभी हमने 2019
अप्रैल मंथ का पेपर देखा, तो उसमें लिखा था कि वेरियस टाइप्स ऑफ प्रमोशनल टूल, तो वहां पे भी आया और यहाँ पे भी आया। तो मतलब देखो ये जो टूल वाले क्वेश्चन है इसको भी कर लेना, प्रमोशनल टूल क्या क्या लगते हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग को करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट मंथ देखते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का ए बी पार्ट, स्टेप इन सेलेक्शन ऑफ ओवरसीज मार्केट। ठीक है, और नेक्स्ट मंथ गिवन इसमें डिस्टिंग्विश बिटवीन मल्टी डोमेस्टिक स्ट्रेटेजी और ग्लोबल स्ट्रेटेजीज। एंड नेक्स्ट थिंग, क्वेश्चन नंबर 5 के सेकेंड पार्ट में गिवन है राइट इन अ शॉर्ट नोट। इसमें आएगा आपका ट्रांजिशनल स्ट्रेटेजी दिया हुआ है, सर्विस कल्चर। देखो सर्विस कल्चर हमने पहले भी देखा था राइट इन अ शॉर्ट नोट में और अभी भी यहाँ पे आ गया है, राइट। फिर ट्रांसफर प्राइसिंग दिया हुआ है, इसमें प्रोडक्ट एडेप्शन दिया हुआ है और वर्ल्ड बैंक दिया हुआ है, तो वर्ल्ड बैंक के बारे में तो याद करके जाना। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस है ये सब आप याद कर सकते हो, जो कि आपके क्वेश्चंस में, आपके क्वेश्चन पेपर में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन तो डेफिनेटली पूछा ही जाएगा, और मेरे ख्याल से ये पूछा जाना ही चाहिए क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। अब आते हैं लास्ट पेपर जो है आपका 2023 का पेपर्स। ठीक है, इसमें देख सकते हो ऑब्जेक्टिव्स तो हम बाद में बात करेंगे, सेम आपका पैटर्न है, 15 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है। अब की बार 2023 में यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स पूछा गया था। ठीक है, तो देख सकते हो कभी कभी मैच द कॉलम आ रहा है, कभी ट्रू एंड फॉल्स आ रहा है, तो दैट इज में आप मैच द कॉलम जब आप आंसर करते हो तो आपका मैच द कॉलम ऑटोमेटिकली हो ही जाता है। अभी इसमें देख सकते हो 2023 का पेपर, इसमें लिखा हुआ है इंटरनेशनल मार्केटिंग क्या, इसको डिफाइन करो और डिफरेंट टाइप्स के ओरिएंटेशन ऑफ द इंटरनेशनल मार्केटिंग। फिर इसमें ट्रेडिंग ब्लॉक दिया हुआ है, टू टाइप्स ऑफ ब्लॉक्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड दिया गया क्वेश्चन नंबर 2 के ए एंड बी पार्ट पे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 के सी एंड डी पार्ट पे देख सकते हो नीड फॉर द कंडक्टिंग इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च और एलिमेंट ऑफ द कल्चर्स। ये कुछ कुछ क्वेश्चन रिपीट दिखाई दे रहा है। ठीक है, हाँ ऑलमोस्ट ये पूरा क्वेश्चन देख सकते हो यहाँ पे राइट इन शॉर्ट नोट है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है यहाँ पे, इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, पैकेजिंग एंड लेबलिंग है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इंटरनेशनल मार्केट एंट्री मेथड दिखाई दे रहा है। मतलब कि ये जो 2023 का पेपर्स है, ठीक है, ये पूरा रिपीट किया गया है। ये शायद 2019 अप्रैल मंथ का पेपर है, जो कि 2023 अप्रैल मंथ में पूछा गया है ये। मतलब ये पूरा क्वेश्चन पेपर रिपीट किया है, एक बार इसको देख लेते हैं हम। यहाँ पे आइए, हाँ इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है, कस्टम रेगुलेशंस आर डैश बैरियर ऑफ ट्रेड दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन, और सेकंड को यहाँ पे जैसे तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, डैश ओरिएंटेशन रिफर्स टू द एक्सपर्ट एक्सपोर्ट बीविंग इंटरनेशनल मार्केटिंग एज अ सेकेंडरी टू डोमेस्टिक ऑपरेशन। अच्छा, तो देखिए बस यही एक क्वेश्चन मेरे ख्याल से यहाँ पे डिफरेंट है, अदरवाइज आप देख सकते हो यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग मीन्स गिवन है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे भी वही गिवन है, डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग मीन्स एक्सपोर्टिंग द प्रोडक्ट। ओ मतलब पूरा क्वेश्चन यहाँ पे मुझे लग रहा है सेम है। ठीक है, टू फॉल्स देख लेते हैं यहाँ पे, डंपिंग एज अ फेयर प्रैक्टिस फॉर द एंट्री। यस, डंपिंग इज अ फेयर प्रैक्टिस फॉर द एंट्री। ओके, तो मतलब 2019 का जो अप्रैल मंथ का पेपर है वो मार्च का पेपर, सॉरी अप्रैल का पेपर 2023 में भी, मतलब इन्होंने क्वेश्चन पेपर पूरा रिपीट कर दिया है। तो ये तो हो गया आपका क्वेश्चन पेपर एनालिसिस, जो कि 2 साल का जो पेपर है वो पूरा सेम है, सिर्फ नवंबर का पेपर थोड़ा सा अलग दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आते हैं अभी ऑब्जेक्टिव के इसके सॉल्यूशंस पे, क्योंकि बच्चों को ऑब्जेक्टिव भी फाइंड आउट करते हैं, जो आपके अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो वहाँ पे भी आप फाइंड आउट कीजिए अपने ऑब्जेक्टिव, जितना ऑब्जेक्टिव करके जाओगे उतना आपके लिए बेनिफिट है। ओके, करना क्या है बेसिकली, आपको यहाँ पे सर्च करना है। ठीक है, मुकुंद दे चुके हैं गूगल पे आके, या तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहां से भी आप देख सकते हो। पेज लोड हो रहा है यहाँ पे, अगर आप डायरेक्टली सर्च करते हो मुकुंद एजुके तो आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे आप देख सकते हो टीवाई बीएमएस सैम सिक्स मार्केटिंग इंटरनेशनल मार्केटिंग के क्वेश्चन पेपर 2019 का। ठीक है, इसको ओपन कर लेते हैं हम, वैसे तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है, आप वहां से भी देख सकते हो। यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे लिंक दिया हुआ है आपको थ्री पेपर्स के, 2019 ठीक है क्वेश्चन पेपर है, अप्रैल मंथ, नवंबर मंथ और 2023 का अप्रैल मंथ का। ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं यहाँ पे फटाफट। देखो, कस्टम रेगुलेशंस आर डैश बैरियर्स ऑफ अ ट्रेड, तो क्या आएगा, नॉन टैरिफ। क्लियर, फिर डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग मीन्स एक्सपोर्टिंग द प्रोडक्ट, तो इसका क्या आएगा, बाय द मैन्युफैक्चरर हिमसेल्फ। क्लियर, नेक्स्ट यहाँ पे डैश इज अ हॉरिजॉन्टल एक्सप्रेशन ऑफ अ फर्म, तो डाइवर्सिफिकेशन, क्योंकि एक्सपांशन कर रहा है ये। ठीक
ठीक है। फिर इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च फैसिलिटीज, इसमें आएगा इनिशियल एंट्री इन द फॉरेन मार्केट। एंड नेक्स्ट वन एंट्रीज अ न्यू प्राइस लॉट अ न्यू मार्केट सेगमेंट इज कॉल्ड द स्ट्रेचिंग, ठीक है। डैश प्राइसिंग इंक्लूड सॉरी इंडिकेट प्रोडक्ट बेनिफिट, तो इसमें आंसर आएगा वैल्यू। नेक्स्ट है डैश स्ट्रक्चर्स वॉयलेट प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, तो मैट्रिक्स। नेक्स्ट डिफरेंशिएशन इंडिकेट द दैट द प्रोडक्ट इज यूनिक, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के बारे में बात कर रहे हैं तो यूनिक होगा। स्ट्रेटेजिक कंट्रोल इंक्लूड डैश एस्पेक्ट इवेल्युएशन, क्लियर। एंड नेक्स्ट थिंग आएंगे हम लोग द इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एंड एफिलिएट ऑफ द वर्ल्ड बैंक वॉज स्टेब्लिश, तो वर्ल्ड बैंक कभी स्टेब्लिश हुआ था तो 1956, क्लियर। क्या आएगा इसका आंसर 1956। चलिए ये हो गया, अब आते हैं ट्रू एंड फॉल्स पे, 7 आंसर देने और 7 मार्क्स मिल जाएंगे आपको। डंपिंग इज अ फेयर प्रैक्टिस फॉर एंट्री इन द फॉरेन मार्केट, तो ये फॉल्स है, ठीक है। डंपिंग कभी भी आपका फेयर प्रैक्टिस नहीं है। इन एथनोसेंट्रिक ऑरियंटेशन एंड एक्सपोर्टिंग फर्म बिलीव दैट एवरी कंट्री इज यूनिक एंड नीड डिफरेंट अप्रोच टू द मैच इट्स कल्चर एंड सोशल नॉर्म, तो फॉल्स। क्योंकि जब हम अदर कंट्री में इंटर करते हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग करने के लिए, तो हमें उस कंट्री का जो भी कल्चर है उसको अडोप्ट करना होता है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो कि जापान के अंदर आप बार्बी डॉल अगर सेल करते हो तो उसके आईज ना ब्लू नहीं होनी चाहिए, अगर उसकी आईज ब्लू होती है तो वहाँ पे उनको ये सुपरस्टिशन माना जाता है, मतलब वो काला जादू करती है। तो उस तरीके से आप उधर के कल्चर्स को अडोप्ट करना होगा, तो उधर की जो भी आप डॉल सेल कर रहे हो, ठीक है, तो उसकी आईज ब्लू नहीं होनी चाहिए। तो दैट इज मीन यहाँ पे जो डॉल बनाने की कंपनी से वो क्या करेगी, वहाँ के कल्चर्स को फॉलो करेगी, अदरवाइज वहाँ पे आपके प्रोडक्ट का वैल्यू नहीं होगा, ठीक है, एकदम नील कर देंगे उसको, कोई परचेस नहीं करेगा। नेक्स्ट थिंग ट्रेड बैरियर्स आर सपोर्टिंग टू द ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, नहीं फॉल्स। ट्रेड बैरियर कभी भी किसी भी इंटरनेशनल ट्रेड को ग्रोथ करने में सपोर्टिव नहीं बनती है। लाइसेंसिंग इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द एक्सचेंज ऑफ द प्रोडक्ट एंड द सर्विस फॉर द अदर प्रोडक्ट ऑफर सर्विस, तो फॉल्स। यू ठीक है, इसमें आएगा यूरोपियन यूनियन इज द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट ओवरसी द ग्लोबल फाइनेंस सिस्टम बाय द फॉलोइंग द मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इट्स मेंबर कंट्री, फॉल्स। पैकिंग रिफर्स टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ द कंटेनर्स, पैकिंग रिफर्स करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ द कंटेनर्स, नहीं, ठीक है, तो फॉल्स आएगा इसका। सेगमेंटेशन अकॉर्डिंग टू द लाइफ साइकिल स्टेज एज ऑक्यूपेशन इज नोन एज बिहेवियरल सेगमेंटेशन, तो ये ट्रू है, क्योंकि सेगमेंटेशन आपका कैसे भी हो सकता है, जैसे बताया डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, जिसमें आपका एज डिफर करता है, ऑक्यूपेशन डिफर कर सकता है, आपकी स्टाइल, आपकी एज यहाँ पे डिफर कर सकती है। अ कंपाउंड ड्यूटी इज फ्लैट सम पर फिजिकल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी इम्पोर्टेड और एक्सपोर्टेड, तो फॉल्स। फिर आएगा कल्चर प्रिस्क्राइब द किड्स और बिहेवियर कंसिडर एक्सेप्टेबल इन द सोसाइटी, ऑब्वियसली जैसा कल्चर रहेगा वैसे काइंड के अपने बिहेवियर बन जाएंगे, हम जहाँ पे रहते जिस सोसाइटी में थे वहाँ के जो कल्चर है उसको हम एडोप्ट करने लग जाते हैं धीरे धीरे, तो इसमें सोसाइटी का भी इम्पैक्ट गिरता है, तो टू है। फिर है फीड फॉरवर्ड कंट्रोल एक्सरसाइज अ कंट्रोल वेन द स्ट्रैटेजी इज इम्प्लीमेंटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो फॉल्स। फीड फॉरवर्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो इसे क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ग्रोथ नहीं कर पाती है, राइट। तो ये मैंने आपको ऑब्जेक्टिव बता दिए, अब जो बड़े आंसर्स हैं वो कहाँ मिलेंगे आपको, यहीं पे मिल जाएंगे, देख सकते हो यहाँ पे भी जो मैंने आंसर्स लिखे हुए हैं, ठीक है, वो 8 मार्क्स के अकॉर्डिंग मैंने लिखे हुए हैं, आप इसको याद करना, आपको जैसा भी जमेगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐसे याद करते रहना, ठीक है। आपको जितने आंसर जितने पॉइंट चाहिए सब यहाँ पे मैंने लिख दिया हुआ है, पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा भी डाल दिया है ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए किसी भी पॉइंट को बाहर करने में। कभी कभी कैसा होता है कि एक दो पॉइंट हमें याद नहीं होता तो हम उसके बियॉन्ड में कोई दूसरा पॉइंट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, तो वो सब भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट भी लिखा हुआ है, 7 मार्क्स का है तो कम से कम 8 पॉइंट तो आपको लिखना ही चाहिए, 9 मार्क्स का है सॉरी और 8 मार्क्स का है तो 10 पॉइंट तो जाना ही चाहिए। अगर नहीं होता है उतना तो जितना मैंने लिखा हुआ है उतना कीजिए आप, ठीक है, और बस ये है कि आपको प्रॉपर तरीके से आंसर लिख के पेज को ज़्यादा क्वांटिटी में लेके लिखना रहेगा आंसर, तो आपको मार्क्स अच्छे खासे मिल जाएंगे। याद रखिए थियरी में कभी भी पूरा मार्क्स नहीं मिलता जल्दी, तो इसलिए आप पैनिक नहीं होना है, ठीक है, सिर्फ आपको पेपर अच्छे से लिखना है। अब आते हैं हम नवंबर 2019 पे, ठीक है, तो यहाँ पे आते नीचे देखो, फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है डैश ओरिएंटेशन रिफर्स टू द एक्सपोर्टर्स व्यूइंग द इंटरनेशनल मार्केटिंग एज अ सेकेंडरी टू द डोमेस्टिक ऑपरेशंस, तो इसका क्या आएगा एंथोसेंट्रिक, ठीक है। नेक्स्ट है डैश लाइसेंसिंग इज टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल लाइसेंसिंग क्रॉस,
क्रॉस लाइसेंसिंग क्या होगा, इंटरनेशनल लाइसेंसिंग होगा। दैट इज नॉट अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ द ट्रेड बैरियर्स, तो इसका आएगा फ्री मूवमेंट ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज। डैश इज अ सिस्टर ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ IMF, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड बैंक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक है सिस्टर ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड को। ठीक है, डैश इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, तो आएगा आपका फ्री ट्रेड एरिया। देन एंटी डंपिंग ड्यूटीज इज अ डैश टैरिफ, तो उसमें आएगा प्रोटेक्शन निस्ट टैरिफ। ठीक है, डैश इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कल्चर्स, तो इसमें आएगा पॉलिटिक एक्टिविटीज, क्योंकि ये कल्चर का पार्ट नहीं होता पॉलिटिकल एक्टिविटीज। डैश रिफर्स टू द प्रोडक्ट लाइन कॉन्सेंट्रेशन, तो आएगा लाइन प्योरिंग। सेगमेंटेशन अकॉर्डिंग टू द सोशल क्लास लाइफ स्टाइल एसेट्रा इज नोन एज साइकोग्राफिक। ठीक है, इसमें सोशल क्लास कैसा है, लाइफ स्टाइल आपका कैसा है, वो साइकोग्राफिक को रिप्रेजेंट करता है। डेमोग्राफिक में आपका क्या आता है, बेसिकली आपका एज आता है, ठीक है, आपका जॉब आता है, आपकी स्टाइल आती है, प्रेफरेंस आता है, लाइक आता है, डिसलाइक आता है, ये सब। ठीक है, ज्योग्राफिक के अंदर जैसे आप जिस कंट्री के अंदर रहते हो उधर का कल्चर आपको अडॉप्ट हो जाता है। बिहेवियरिस्टिक में क्या आता है कि आपका बिहेवियर कैसा है किसी भी गुड्स को लेके या किसी भी पर्सन को लेके। ठीक है, तो वो आपका बिहेवियर हो गया। नेक्स्ट आएगा प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट ऑन द बेनिफिट इट प्रोवाइड टू कंज्यूमर इज नोन एज तो वैल्यू प्राइसिंग। क्लियर, अभी देखिए ये 2019 नवंबर का पेपर था, इसमें जो बी पार्ट आया था वो मैच द फॉलोइंग है। ठीक है, 7 मार्क्स के लिए दिया गया। तो अब इसका आंसर, तो फर्स्ट जो है वो कॉन्सेंट्रेट मार्केटिंग है। तो कॉन्सेंट्रेट मार्केटिंग कहाँ पे होता है आपके, यहाँ पे वन सिंगल टारगेट मार्केट पे। ठीक है, फिर जो सेकंड क्वेश्चन है मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ अ कंट्रोल गिवन है, तो मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल ये कहाँ पे दिखाई देगा आपको, फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल पे। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है बेसिकली, तो सॉरी मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल ये नहीं देगा, मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल यहाँ पे मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अपना क्या है, फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर्स एंड कैपिटल है। लो प्राइस इन इंट्रोडक्शन स्टेज, यस, तो इसका आंसर आएगा यहाँ पे पेनिट्रेशन प्राइस। ठीक है, फिर आएगा इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च। इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च कैसे करते हैं हम लोग, आइडेंटिफाई द पोटेंशियल मार्केट। ठीक है, उस मार्केट का कितना पोटेंशियल है वो इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च से हमें पता चल जाता है। फिर इसके बाद है कॉमन मार्केट। ओके, तो यहाँ पे कॉमन मार्केट, अब जो कॉमन मार्केट है वो आपका यूनिफॉर्म फिस्कल एंड मॉनिटरिंग पॉलिसीज है। तो इसके बाद इकोनॉमिक यूनियन, ये इकोनॉमिक यूनियन यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है आपको रीजनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग। ये देख सकते हो पॉइंट सी, रीजनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग। फिर ट्रेडिंग ब्लॉक, ट्रेडिंग ब्लॉक आपका आएगा एक्सपोर्ट कंसोर्टेरिया। फिर स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में अगर बात करेंगे तो यूनिफॉर्मिलिटी इन द प्रोडक्ट ऑफर। एंड काउंटर ट्रेड क्या होता है, बाय बैक। देखिए एक बार हमने सेल किया फिर उसको हमने परचेस कर लिया, तो काउंटर ट्रेड। तो ये हो गया आपका मैच द पेयर जो कि 2019 के पेपर्स में पूछा गया था। अब यहाँ पे आके आप बड़े बड़े जो आंसर्स है आपके 8 और 7 मार्क्स के उसको आप यहाँ से राइट डाउन कर सकते हैं, जिसमें आपका एक सेल्फ ओपिनियन कॉन्सेप्ट भी पूछा गया था कि अगर मार्केटिंग स्टूडेंट्स हो तो आपका आपको बताना है कि कोई भी 3 स्टेज क्या हो सकता है मार्केटिंग के लिए। ठीक है, तो ये जो पार्ट है ये भी आप इसको यहाँ से यूज कर सकते हो। ठीक है, सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है, ये पूरे पेपर्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख के आप अपने आंसर भी बाहर कर सकते हो। और नेक्स्ट थिंग मैं आपको बता दूँ कि आपको टोटल 3 पेपर्स मैंने दिया हुआ है, इसमें से आपको 2019 अप्रैल और 2023 अप्रैल का पेपर सेम ही है, सिर्फ 2023 अप्रैल के अंदर क्या चेंजेस किया है, एक क्वेश्चन चेंज किया हुआ है ताकि आपका पेपर थोड़ा सा डिफरेंट लगे। वो पेपर कौन सा है आपका, सॉरी वो क्वेश्चन कौन सा है आपका, ये फर्स्ट वन। ठीक है, इसमें देख सकते हो ये वाला ओरिएंटेशन रिफर्स टू द एक्सपोर्टर बीविंग इंटरनेशनल मार्केटिंग एज ए सेकेंडरी टू द डोमेस्टिक ऑपरेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली ये जो क्वेश्चन था ये नवंबर में पूछा गया था, सेम क्वेश्चन है। मैंने यहाँ पे आंसर आपका पॉलीसेंट्रिक मार्क कर दिया है। ठीक है, लेकिन आंसर था इसका एंथ्रोसेंट्रिक। ठीक है, तो ये इसका आंसर रहेगा, अदरवाइज जितने भी क्वेश्चन है यहाँ पे सब आपका 2019 के क्वेश्चन पेपर से लिया गया है, तो आप वहां से भी याद कर सकते हो। ठीक है, आपको आंसर दोनों सेम मिलेगा।
चलिए, बेसिकली ये जो क्वेश्चन था इंटरनेशनल मार्केटिंग का, ये 3 पेपर्स है, आप इसको रिफर कीजिए अपने एग्जाम्स के लिए। आप पेपर को यूज़ कीजिए, देखिए ये पेपर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, सोल्यूशन का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है, ताकि आपको कोई भी अपने एग्जाम में प्रॉब्लम्स ना आए। ठीक है, अगर इसके रिगार्डिंग कोई डाउट आता है तो डेफिनेटली मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके पूछ सकते हो। एंड नेक्स्ट थिंग, अदर जितने भी सब्जेक्ट्स है सबके पेपर के सोल्यूशन मैं यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ, तो आपको क्या करना है, मुकुंद एजुकेयर जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको फॉलो करते रहिए। ठीक है, लिंक वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है, ताकि आपके BMS के SAM 6 में बहुत ज़्यादा ये यूजफुल होगा। मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में, बने चैनल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।